Hello everyone, welcome to third part of our object oriented programming with C++ MCQ series of computer science exam. In today's video, we will see 25 most important MCQs which frequently appear in various types of exams. If you want to see first two parts of this series, they are available on my channel Study with Dr. Sushil Naik. So let us start with first question. क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल्ट इन डेटा टाइप. इसमें से कौन सा डेटा टाइप बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है? इसका आंसर है 4, स्ट्रिंग. बिल्ट इन डेटा टाइप को सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं. इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड, फ्लोट, डबल, बुल, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स है. तो इसका आंसर रहेगा 4, स्ट्रिंग. क्वेश्चन नंबर टू, द रेंज ऑफ इंटीजर ऑन 32-bit कंप्यूटर इज. 32-bit कंप्यूटर मशीन पे इंटीजर डेटा टाइप का रेंज क्या रहेगा? इसका आंसर है 4, नन ऑफ दिस. 8-bit कंप्यूटर मशीन पे इंटीजर डेटा टाइप का रेंज होता है -128 to 127. 16-bit कंप्यूटर मशीन पे इंटीजर डेटा टाइप का रेंज है -32768 to 32767. एंड 32-bit कंप्यूटर मशीन पे इंटीजर डेटा टाइप का रेंज रहेगा -214748364826 प्लस 214748364747. क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीवर्ड इन C++. इसमें से कौन से कीवर्ड C++ कीवर्ड नहीं है? इसका आंसर रहेगा 4, सी नेम. सी नेम एक वेरिएबल नेम हो सकता है, ट्रू, फॉल्स, क्लास, कैच, क्लास, ट्राई, ट्रू, यूजिंग, वर्चुअल, ये सारे C++ कीवर्ड है. तो इसका आंसर रहेगा 4, सी नेम. क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एस्केप सीक्वेंस कांस्टेंट. इसमें से कौन सा कांस्टेंट एस्केप सीक्वेंस कांस्टेंट है? इसका आंसर रहेगा 4, स्लैश टी. C++ प्रोग्राम का आउटपुट फॉर्मेट करने के लिए एस्केप सीक्वेंस कांस्टेंट यूज होता है. एस्केप सीक्वेंस कांस्टेंट को एक कंट्रोल कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं. इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं. यह हमेशा बैकवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं और किसी एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं. अगर दो वर्ड के बीच 4 वाइट स्पेसेस इंसर्ट करनी हो तो स्लैश टी ये स्किप सीक्वेंस कांस्टेंट आप यूज़ कर सकते हो. कंपाइलर जब स्लैश टी को कंपाइल करेगा तो स्लैश टी को उसके करस्पॉन्डिंग आस्की कोड में कन्वर्ट कर देगा और ये आस्की कोड प्रोग्राम में ऐड कर देगा. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो दो वर्ड के बीच 4 वाइट स्पेसेस इंसर्ट होगी. तो इसका आंसर रहेगा 4, स्लैश टी. क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसका आंसर है 3, अडा. अडा एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिमुला, जावा, पाइथन, रूबी, C++, स्मॉल टॉक, विजुअल बेसिक, .NET, ऑब्जेक्टिव सी, कर्ल, डेल्फी, आईफिल, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो इसका आंसर है 3, अडा. क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल डू नॉट यूज .h एक्सटेंशन टू फाइल नेम. इसमें से कौन से हेडर फाइल .h एक्सटेंशन को फाइल नेम में यूज नहीं करती है? इसका आंसर है 2, न्यू स्टाइल हेडर फाइल. द ANSI C++ स्टैंडर्ड हैज डिफाइंड न्यू वे टू स्पेसिफाई हेडर फाइल. दे डू नॉट यूज .h एक्सटेंशन टू फाइल नेम्स. सो इसका आंसर रहेगा 2, न्यू स्टाइल हेडर फाइल. क्वेश्चन नंबर सेवन, C++ कमेंट्स आर. C++ कमेंट्स क्या है? C++ कमेंट सिंगल लाइन या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स हो सकते हैं. सिंगल लाइन कमेंट हमेशा डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट होते हैं और एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश से एंड होते हैं. C++ कमेंट का यूज़ क्या है? किसी भी प्रोग्राम का कोड एक्सप्लेन करना हो, वेरिएबल, मेथड, क्लास, फंक्शन को एक्सप्लेन करना हो तो प्रोग्रामर कमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि यूज़र प्रोग्राम कोड को समझ सके. एंड जब प्रोग्राम कंपाइल होगा कंपाइलर कमेंट सेक्शन को इग्नोर कर देता है तो कमेंट सेक्शन एग्जीक्यूट कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है. इसका आंसर रहेगा 3, बोथ 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट वेरिएबल नेम इज. वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो. वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए C++ लैंग्वेज में कुछ रूल्स है. वो रूल्स क्या है वो देखेंगे. फर्स्ट रूल है कि वेरिएबल नेम में आप 1 से 255 कैरेक्टर यूज कर सकते हो. इससे ज़्यादा बड़ा वेरिएबल नेम कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करता है. रूल नंबर 2, वेरिएबल नेम हमेशा अल्फाबेट या फिर सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं. रूल नंबर 3, वेरिएबल नेम में एक से ज़्यादा अल्फाबेट या फिर नंबर हो सकते हैं. रूल नंबर 4, स्पेशल कैरेक्टर जैसे प्लस है,
डिवाइड, एस्ट्रिक, एम्परसेंड, ब्रैकेट्स वेरिएबल नेम में नहीं होने चाहिए. रूल नंबर 5, आप स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस कीवर्ड वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते हो. अभी ऑप्शंस देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्कोर अथांग 25. तो यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर से वेरिएबल नेम स्टार्ट हुआ है तो ये वैलिड वेरिएबल नेम है. ऑप्शन 2, डबल अंडरस्कोर अथांग 25. वेरिएबल नेम हमेशा सिंगल अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट होनी चाहिए, बट यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है. ऑप्शन नंबर 3, एम्परसेंड अथांग 25. यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, एम्परसेंड स्पेशल कैरेक्टर्स है तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा. तो इसका आंसर है 1. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर क्रिएटिंग रेफरेंस वेरिएबल. रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा. रेफरेंस वेरिएबल एक प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल को नया नाम प्रोवाइड करना हो, अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करना हो तो रेफरेंस वेरिएबल सी प्लस प्लस में यूज होता है. रेफरेंस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एम्परसेंड सिंबल यूज होता है और एम्परसेंड इज नॉट अ एड्रेस ऑपरेटर. इसका आंसर है 2, एम्परसेंड. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सी प्लस प्लस लैंग्वेज. इसमें से कौन से स्टेटमेंट सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है. इसका आंसर है 4, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. बिजन स्ट्रॉटस्ट्रप ने सी प्लस प्लस को 1980s में AT&T बेल लैब में डेवलप किया था. सी प्लस प्लस के पहले सिमुला 67 एंड सी ये दो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और बिजन स्ट्रॉटस्ट्रप इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिलाकर एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी फीचर्स अवेलेबल हो. तो उन्होंने सी प्लस प्लस को डेवलप किया. सी प्लस प्लस को हम सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं. तो इसका आंसर है 4, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्वेश्चन 11, PHP स्टैंड फॉर. PHP एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसे स्पेशली वेब डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया था. PHP ओरिजिनली स्टूड फॉर पर्सनल होम पेज बट इट नाउ स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. तो इसका आंसर है 3, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. क्वेश्चन नंबर 12, द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इन सी प्लस प्लस इज. एरे जब आप क्रिएट करेंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा. देखिए, होमोजेनियस डेटा टाइप को मैं सिमिलर डेटा टाइप को अगर होल्ड करना हो तो हम एरे क्रिएट करते हैं. जैसे अगर आपने लिखा इंटीजर ए ऑफ 10, इट मीन्स दैट कि आपने इंटीजर एरे क्रिएट किया और उसका लेंथ रहेगा 10. मीन्स उस एरे में हम 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं. तो उसका जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 to n-1 चलेगा. अगर आपने 10 एलिमेंट को एरे में स्टोर किया है तो उसका इंडेक्सिंग 0 to 9 तक चलेगा. तो इसका आंसर रहेगा बी, 0. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. इसमें से कौन से डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है. स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन और क्लास ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है. रेफरेंस इज नॉट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो इसका आंसर रहेगा 4, रेफरेंस. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ ओरिजिनल सी प्लस प्लस लैंग्वेज. ओरिजिनल इसमें से कौन से फीचर ओरिजिनल सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं थे जब वो डेवलप हुई थी. इसका आंसर रहेगा 4, ऑल. बूल डेटा टाइप, म्यूटेबल कीवर्ड, नेम स्पेस स्कोप ये सारे फीचर्स ओरिजिनल सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं थे. आंसर सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड कमिटी ने ये सारे कीवर्ड्स एंड फीचर ओरिजिनल सी प्लस प्लस में ऐड किए हैं. तो इसका आंसर है 4, ऑल. क्वेश्चन नंबर 15, सुटेबल प्लेस टू स्टोर क्लास डिक्लेरेशन इज. अगर आपने किसी प्रोग्राम में क्लास को डिक्लेयर किया है तो उस क्लास का डिक्लेरेशन किस फाइल में स्टोर होगा. इसका आंसर है 1, देयर ओन हेडर फाइल. टिपिकल सी प्लस प्लस प्रोग्राम 4 सेक्शन में डिवाइड होता है. फर्स्ट सेक्शन है इंक्लूड फाइल, सेकेंड इज क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन, थर्ड इज मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन एंड फोर्थ वन इज अ मेन फंक्शन. सी प्लस प्लस प्रोग्राम 3 सेपरेट कोडिंग फाइल में स्टोर होता है और कंपाइलर उसे जॉइंटली या इंडिपेंडेंटली कंपाइल करता है. तो क्लास डिक्लेरेशन उसी क्लास की हेडर फाइल में स्टोर होता है. अगर आपने टाइम नाम का क्लास क्रिएट किया है तो उस क्लास का डिक्लेरेशन time.h हेडर फाइल में स्टोर होगा. अगर टाइम क्लास में आपने सेट टाइम, गेट टाइम ऐसे दो मेंबर फंक्शन डिफाइन किए हैं तो उस मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन time.cpp फाइल में स्टोर होगा. क्लास का मेन फंक्शन जिसमें एक्चुअल प्रोग्राम कोड लिखा है उस मेन फंक्शन का डेफिनेशन main.cpp फाइल में स्टोर होगा.
तो जिस फाइल में क्लास के मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन होता है, उस फाइल को इम्प्लीमेंटेशन फाइल कहते हैं। तो इसका आंसर है 1, देयर ओन हेडर फाइल। क्वेश्चन नंबर 16, इफ रेक्टेंगल इज अ क्लास नेम देन स्टेटमेंट रेक्टेंगल स्टार पीटीआर इज। रेक्टेंगल अगर क्लास नेम है तो रेक्टेंगल स्टार पीटीआर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा। इसका आंसर है 2, डिक्लेयर वेरिएबल कॉल्ड पीटीआर ऑफ टाइप पॉइंटर टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्लास नेम है, पॉइंटर पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है, स्टार एक डी रेफरेंसिंग और इंडायरेक्शन ऑपरेटर होता है जो पीटीआर वेरिएबल के साथ प्रेजेंट है, इसलिए इसे पॉइंटर वेरिएबल कहेंगे। पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर क्लास रेक्टेंगल को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर रेक्टेंगल क्लास के सारे क्लास मेंबर को एक्सेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वी डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन द डेफिनेशन स्टार्ट विथ। इसका आंसर है 1, क्लास नेम फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर आपने मेंबर फंक्शन को क्लास डेफिनेशन के आउटसाइड डिफाइन किया है तो उस मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन हमेशा क्लास नेम के साथ स्टार्ट होगा और इट इज़ फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कंपाइलर को बताएगा कि ये मेंबर फंक्शन किस पर्टिकुलर क्लास को फॉलो कर रहा है या फिर बिलोंग करता है, किस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाइल डिस्ट्रॉइंग डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट द डैश डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर डैश डिस्ट्रक्टर। अगर हमें डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना हो तो सबसे पहले कौन से डिस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। इसका आंसर है 2, डिराइव क्लास कॉमा बेस क्लास। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना हो तो डिस्ट्रक्टर यूज होता है। जब कोई प्रोग्राम एग्जिट होगा या फिर ब्लॉक फंक्शन एग्जिट होगा तो कंपाइलर डिस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली कॉल करता है टू क्लीन द स्टोरेज दैट इज नो लॉन्गर एक्सेसिबल। अगर हमें डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना हो तो सबसे पहले हमें डिराइव क्लास डिस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाइब्रिड इनहेरिटेंसेस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर है 4, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटर डू नॉट यूज आयोमैनिप डॉट एच हेडर फाइल। इसमें से कौन से मैनिपुलेटर आयोमैनिप डॉट एच हेडर फाइल को यूज नहीं करेंगे। इसका आंसर है 1, नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर। C++ प्रोग्राम के आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए मैनिपुलेटर C++ में यूज होते हैं। मैनिपुलेटर के दो टाइप है, पैरामीटराइज मैनिपुलेटर एंड नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर। नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंडेल, हेक्स और डीसी ये नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है और इस मैनिपुलेटर का डिक्लेरेशन आयोमैनिप डॉट एच हेडर फाइल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब हम नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे C++ प्रोग्राम में तो हमें आयोमैनिप डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बट पैरामीटराइज मैनिपुलेटर हमेशा पैरामीटर को एक्सेप्ट करते हैं। सेट डब्ल्यू, सेट प्रिसीजन, सेट बेस ये पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स है और इस मैनिपुलेटर का डिक्लेरेशन आयोमैनिप डॉट एच हेडर फाइल में प्रेजेंट होता है। तो अगर हमें पैरामीटराइज मैनिपुलेटर C++ प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो आयोमैनिप डॉट एच हेडर फाइल C++ प्रोग्राम में इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज होगा। इसका आंसर है 4, हीप। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो मेमोरी चार पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, सेकेंड पार्ट में प्रोग्राम का मशीन कोड स्टोर होता है, थर्ड पार्ट इज अ डेटा एरिया जहाँ पे प्रोग्राम का डेटा स्टोर होता है, और लास्ट पार्ट इज़ अ स्टैक एंड हिप। हिप एक ऐसा पार्ट है जिसमें डायनामिक अलोकेटेड डेटा स्टोर होता है। इट आल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अलोकेशन। तो इसका आंसर है 4, हिप। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड पॉइंटर इज। वर्ड पॉइंटर क्या है। इसका आंसर रहेगा 4, ऑल ऑफ द अबो। वर्ड पॉइंटर को जेनरिक पॉइंटर भी कहते हैं। वर्ड पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर का टाइप है जो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। वर्ड पॉइंटर को हम नॉर्मल पॉइंटर के जैसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना होगा वर्ड की वर्ड स्टार और पॉइंटर वेरिएबल नेम। सो इसका आंसर रहेगा 4, ऑल ऑफ द अबो। वर्ड पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर का टाइप होता है। वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है
और उसे पता ही नहीं होता कि वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अगर प्रोग्रामर को वर्ड पॉइंटर प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो सबसे पहले वर्ड पॉइंटर को एक्सप्लिसिटली दूसरे पॉइंटर टाइप में उसे कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर रहेगा 3, मल्टी लाइन इनहेरिटेंस। मल्टी लाइन इनहेरिटेंस इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डैश ब्लॉक थ्रो एन एक्सेप्शन द प्रोग्राम कंट्रोल लीव्स द डैश ब्लॉक एंड एंटर द डैश ब्लॉक। इसका आंसर है 1, ट्राई कैच। एक्सेप्शन एक एरर ऑब्जेक्ट है जो प्रोग्राम में किस टाइप का एरर आया है उसके बारे में कंपाइलर को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए C++ में डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन हैंडलर अवेलेबल है। ट्राई कैच थ्रो एक एक्सेप्शन हैंडलर है। ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को डिटेक्ट करता है और उसे कैच ब्लॉक में थ्रो कर देता है। कैच ब्लॉक एक्सेप्शन का टाइप फाइंड आउट करता है और ताकि उस एक्सेप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो एरर मैसेज में डिस्प्ले कर सके। ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड यूज करता है। तो इसका आंसर है 1, ट्राई ट्राई कैच। क्वेश्चन नंबर 25, टू यूज रैंडम फंक्शन वी मस्ट इंक्लूड हैश हेडर फाइल। रैंडम फंक्शन यूज़ करने के लिए कौन से हेडर फाइल हमें C++ प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होगी। इसका आंसर है 4, C*STDLib.h हेडर फाइल। रैंडम फंक्शन रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए C++ प्रोग्राम में यूज़ होता है और रैंडम फंक्शन C*STDLib.h हेडर फाइल में प्रेजेंट होता है। अगर हमें रैंडम फंक्शन C++ प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो C*STDLib.h हेडर फाइल हमें प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। Thank you for watching this video. I hope you understood all these questions very well. If you have any doubt, you can mention in comment section below. Please subscribe to the channel for more such free videos as well as computer science related subjects. Press bell icon to get the notification of our upcoming videos so that you always stay updated and don't miss the video. Thanks for watching.